वोट आउट का समय आ गया। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो वोट आउट होगा वो बड़ी पै का होगा। ये जानने के बाद क्या आप लोग अपना जो इम्यूनिटी है जिसको दिया हुआ है उसका डिसीजन चेंज करना है आपको? जिसको दिया नहीं, 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 लॉयल्स। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, आज एक बड़ी पेयर नहीं, दो बड़ी पेयर का वोट आउट होगा। ओह माय गॉड, व्हाट? सारी प्लानिंग, सारी स्ट्रेटजी सब धरी की धरी रह गई, सारा दिमाग ब्लैंक हो गया एकदम से। एक एक करके हर पेयर का मेंबर वहां जाएगा और एक बड़ी पेयर को वोट आउट करेगा। गौरव, आपसे शुरू करें। ऑनेस्टली अभी मुझे इनका गेम समझ नहीं आ रहा है। आई फील लाइक they're the weakest. इनकी मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा रिस्की होने वाली है गेम में। I do not trust this person at all. तो पहला नाम गौरव एंड मूज। You are so fake. You bring so much negativity on set. I don't support that. And you ditched me more than once. You cannot turn someone else's light to shine. The second name is Bhatia and Sakshi. I feel these two are strong competitors और आगे जाके मेरे issues आ सकता है। I think someone just wasted their vote. You vote waste के लिए तो someone just wasted their vote. Yeah, yeah. Third, Gaurav and Mool. I don't want the game to be dirty. आगे बढ़ते हैं। आरुषि दत्ता and Tanish. भाई क्या चल रहा है इधर? क्या कर रहे हो? क्या चल रहा है? सबने ऐसे क्या लगता है? I do not trust this person at all. एक्सपेक्ट किया था क्या? मतलब मुझे लग रहा था सबका ही सारे वहां से सारे नाम ही आएंगे, बट पता नहीं, मतलब इनके काफी डाइवर्स वोट लग रहे हैं मुझे। अगला पढ़ू, सपना एंड अंगद। I feel Angad is playing a little safe, but I like Sapna. That's the main target. Exactly. All of them. One of them wasted their votes, but all of them target her. मैंने पहले ही बताया था कि हम यहाँ पे main target होंगे. That's the main target. ऐसा लग रहा है तेरे को? क्यों ऐसा लग रहा है तेरे को? बता रही हूँ आपको. क्यों लग रहा है? क्यों लग रहा है? सर भाटिया को, भाटिया इसलिए नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे majorly भाटिया सबका दोस्त है. केविन के साथ आई रियली फील लाइक कि केविन मुझ में से हो सकता था, बट अब एक अंदर की गट फीलिंग भी होती है सर कि इट्स अस। ऐसा लग रहा है मैं है कि हम हैं, ऐसा होना है कि वो है। ऐसा लग रहा है तुमको, ये सही बोल रही है सपना? सर जैसे उसको लग रहा है कि वो है उस साइड पे, वैसे मुझे लग रहा है। पता है क्या हुआ है हमारे में, मुझे लग रहा है कि अभी जो वोट्स अभी तक आए हैं ना वो डाइवर्स हो गए हैं, और उधर मुझे लगता है कि अभी भी कलेक्टिव ही आएगा। यस। अगला कार्ड सपना एंड अंगद। आई न्यू इट। नेक्स्ट वन इज काव्या एंड सिद। दैट्स देयर नेम और माय टीम। ये मेरी टीम का फैसला है तो मैं उनके हिसाब से चलूंगी अभी। लॉयल्टी इज लॉयल्टी। नेक्स्ट इज अंगद एंड सपना। देखा, I think you're way too smart. You show that you're very dumb, but you're very smart, and we know that. So goodbye. Next one. Gaurav and Mool. Char. आप दोनों में competition है boss. हाँ? चल रही है साथ साथ. Next one is Sid and Kavya. Next one is
गौरव चार, मूस चार, काव्या सिद्ध चार, सप्रांगद एट, 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 दो बचे हुए अभी सिर्फ लास्ट टू। क्या यू एक साथ ही बता दो, ये दोनों वोट एक ही बड़ी पैक है। और वो भी इस बार अंगद और सपना के नहीं है, या तो गौरव और मूज के हैं या सिड या काव्या के, दोनों के कॉमन वोट्स हैं। सो द लास्ट टू वोट्स आर फॉर सिद्धार्थ एंड काव्या। कितना हो गया टोटल? सिक्स, सिक्स एंड एट। सिद्ध एंड काव्या एंड अंगद एंड सपना। सपना? यस सर। क्या? अपना कॉल खुद लिया है ना, कोई बात, मैंने बोला था ना, इट्स ओके, हो गया, कोई बात। आई फेल्ट सो बैड, आई जस्ट ब्रोक डाउन, क्योंकि सपना मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और आज पहले वोट आउट में शी इज लीविंग। मैंने जब इस शो में आया था मैं भी बड़ा, आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि सबसे मिलेंगे, है ना, और आप लोगों से मिलके बड़ा कमाल का लगा, और मैंने एक ही चीज़ बोली यार, इतनी जल्दी थोड़ा जाने नहीं है सबको यार, अपने बंदे हैं खास यार। तो चलो चलो चलो, लेट्स सी द ट्विस्ट। नहीं वेट यार, ऐसे मत बोलो सर, प्लीज आप सस्पेंस नहीं चाहिए सर, प्लीज प्लीज नहीं। सो आप दोनों बड़ी पेस वोट आउट हुए हो, एलिमिनेट नहीं। एलिमिनेशन से बचने के लिए आपको एक सर्वाइवल टास्क करना पड़ेगा। सो एक बार मैं वापस सबके रोडियम के जो अमाउंट्स हैं वो बता देता हूँ, ठीक है। अंगद एंड सपना 1150, सिद्धार्थ एंड काव्या आपके पास है 300 रोडियम्स, राइट, कम है ना। केविन एंड सॉन्डर्स 1300, आशीष एंड साक्षी आपके पास हैं 1000, सिमी एंड सोहेल आपके पास है 300 रोडियम, अर्श एंड आरुषि चावला आपके पास है 150 रोडियम, गौरव एंड मूज आपके पास 150 रोडियम, तनिष एंड आरुषि दत्ता आपके पास हैं 150 रोडियम, युक्ति एंड नंदिनी आपके पास हैं 0 रोडियम, बसीर एंड जसवंत आपके पास हैं 0 रोडियम। वी जस्ट लुक्ड एट ईच अदर, यार हमारे पास उतना रोडियम्स नहीं है एंड द अदर टीम हैज अ लॉट ऑफ रोडियम्स, तो हम अभी क्या करें। आप में से जो लोग भी इनको हेल्प करना चाहते हो अपने रोडियम्स देकर, वो आप यहाँ बता सकते हो, और जितने इनके पास उसके बाद कम पड़ेंगे वो इनको कलेक्ट करने, टास्क में कलेक्ट करने पड़ेंगे। ठीक है सर, आपकी लॉयल्टी सेट की तरफ बिल्कुल अच्छी से दिख गई, पर आपकी लॉयल्टी अपनी टीम की तरफ बिल्कुल नहीं दिखी, जबकि मैंने आपके लिए अड़ गई थी जब ये लोग भी बोल रहे थे ना, तब मैंने स्टैंड लिया था आपके लिए कि नहीं, लेट सिमी हैव द इम्यूनिटी। जेन्युइनली उस टाइम में मैं इतनी डिसअपॉइंट हो चुकी थी कि मैं उससे कुछ भी सुनने के लिए इंटरेस्टेड नहीं थी उस टाइम पे। मुझे लगता है कि सिमी की ये जात सिर्फ मैंने नहीं वहाँ पे बैठे हुए सब लोगों ने देख ली थी कि उसकी लॉयल्टी कहाँ पे स्टैंड करती है। तुम लोग मेरे पे क्यों चढ़ रहे हो? उसने It was about that. Simi, उन 300 से शायद हमारा कुछ बहुत ज्यादा।
नहीं जाता बट वो एक ना जेस्टर से पता चल जाता कि हाउ लॉयल यू आर टू अस। मैंने उसको उसी बात बोल।